बता रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, फिर बच्चों इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब यहां पे आप प्रोडक्ट की बजाय रिएक्टेंट राइट करेंगे, रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो यूं हम राइट कर सकते हैं के सी का फार्मूला, और इसी से ही हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, के इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यू आपके पास जो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, जैसे कि हम आपसे बात पहले करते आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट टेकन एज अ न्यूमिरेटर्स एंड रिएक्टेंट टेकन एज अ डिनोमिनेटर्स। तो ये इसको राइट करने का तरीका है, कहता है कि इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट प्रोडक्ट टेकन एज अ न्यूमिरेटर्स एंड रिएक्टेंट टेकन एज अ डिनोमिनेटर्स। तो बच्चों इसके साथ साथ अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो किस तरह फाइंड करते हैं, बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जी ये वाला पॉइंट जो है, बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, वी राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्ट एक्सप्रेशन, वी राइट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो हम उसका एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, अगर हम जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करें तो उसका क्या राइट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, जैसे कल आपको इसके मुतालिक बताया भी गया। फिर अगर हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम फाइंड करना चाह रहे हैं, टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर केसी के हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यानी कि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो पुट करना होगा किसमें, इक्विलिब्रियम कॉस्ट एक्सप्रेशन में, तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पुट इन टू द इक्विलिब्रियम कॉस्ट एक्सप्रेशन, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप बात पूछी जाती है कि केसी डिपेंड्स ओनली, यानी कि केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम बात कर चुके हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंस है, और इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये तो था आपके, आपको बताया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और उसको राइट कैसे कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, ये चार बातें आपसे शेयर की गई हैं। बच्चों हम इसके यूनिट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे, तो यूनिट फाइंड करने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि केसी हैज़ यूनिट और नॉट, केसी हैज़ यूनिट एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन कल जो हमने एग्जाम्पल ली थी प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन
अमोनिया सिंथेसिस में कहते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, बैलेंस करेंगे। तो बच्चों क्योंकि हमने भी आपसे बात शेयर की है कि हम अगर इसका एक्सप्रेशन राइट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताया जा रहा है बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो बच्चों अगर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन कर लिया है तो सबसे पहले इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करेंगे, और उसके मुतालिक भी आपको बता दिया गया है कि प्रोडक्ट को आप ऊपर राइट करते हैं, रिएक्टेंट को नीचे राइट करते हैं। ये अमोनिया है आपके पास प्रोडक्ट में, और इसका जो कॉफिशेंट है वो 2 है जो कि पावर में चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट आपके पास नाइट्रोजन है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं कॉफिशेंट जो हैं वो 3 हैं जो कि चेंज हो जाएंगे पावर्स में 3 में। बच्चो बीच में बच्चे क्या करते हैं कि इधर प्लस है तो इधर ही प्लस लगाते हैं, तो ये प्लस लगाना यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये आपने राइट कर लिया है एक्सप्रेशन को। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इसके यूनिट फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में स्टडी किया था कि जो एक्टिव मास जिसको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को, और उसके यूनिट क्या थे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम यूनिट जो है राइट कर रहे हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि आपने यूनिट उसका यूज कर लिए, तो 2 उसकी पावर साथ लिखेंगे। अब नीचे आपके पास नाइट्रोजन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इन द सेम वे हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे पावर 3 है। तो बच्चों यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे पावर 3 और 1 4 हैं, ऊपर 2 पावर्स हैं, तो 2 पावर कैंसिल कर देंगे। तो जो आपके पास केसी के यूनिट्स आएंगे उसको यूं हम राइट करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसमें से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्या बचेगा, फिर वही मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं मोल स्केयर और डी एम माइनस 6 हो जाएगा, इसको आप राइट करेंगे तो यूनिट क्या बनेंगे आपके पास केसी के यूनिट इस रिएक्शंस के लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट जो हैं मोल माइनस 2 डी एम डेसीमीटर जिसको हम कहते हैं प्लस 6 में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट्स हैं कि केसी हैज़ यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। और अब अगर हम एक और इक्वेशन लें और उसमें फाइंड करना चाहें जिसमें केसी हैज़ नो यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो यूनिट, तो उसके लिए भी हम एक इक्वेशन राइट करने जा रहे हैं। तो जो से देखिएगा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पहली बात ये कि रिवर्सिबल साइन डालना है, फिर इसको बैलेंस करना है, इनके 2-2 एटम्स हैं, तो आप क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 एटम हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि सर अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो हम राइट कर सकते हैं। तो हम राइट करेंगे इसका केस ही, और वो आपको मालूम है कि सर प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। कुछ उनके यूनिट राइट करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, स्केयर फॉर्म में नीचे भी लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो केसी के यूनिट जो है इस सिलेक्शन में हमें नहीं मिले, केसी हैज़ नो यूनिट, केसी हैज़ नो यूनिट। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि ये भी इक्वेशन थी आपके पास, ये भी इक्वेशन थी, तो क्या हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि केसी के यूनिट हैं भी और नहीं भी हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे तो देन आपके पास केसी के यूनिट
आएंगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो देन के सी हैज नो यूनिट्स। तो व्हेन के सी हैज यूनिट, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल, और के सी हैज नो यूनिट व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो बच्चों अभी इसमें हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो टॉपिक है इसमें हमने क्या लर्न किया है, सबसे पहले डेफिनेशन हमने लर्न की है, उसका फिर फार्मूला हमने राइट किया है, और फिर चंद पॉइंट्स के जरिए मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैसे राइट कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, और वो किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है, और फिर बच्चों आपको के सी के यूनिट भी जो है वो कैलकुलेट करके दिए हैं, फाइंड करके दिए हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहता हूँ ताकि हम प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने पड़ें तो वो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी वैल्यूज में राइट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा के सी के हवाले से। तो न्यूमेरिकल क्योंकि मौजूद हैं इस चैप्टर में और वो इसी से रिलेटेड, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं तोजो के साथ कि सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे 2-hydrogen-iodide, और आपके पास इनकी कंसंट्रेशन दी जा रही है कि हाइड्रोजन आयोडाइड कितने हैं आपके पास, सपोज 0.05 है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है, और इसकी जो है 0.06 आपके पास है, और बच्चों इसकी जो है 0.49 आपके पास कंसंट्रेशन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सबके साथ लिखना है आप लोगों ने, ये नहीं बोलना आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये कंसंट्रेशन दी जा रही है तीनों को। अब मैं क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको अलग से आप ब्रैकेट डाल के उनके वैल्यूज जो डाटा लिख सकते हैं, स्पेस मैं इतना यूज़ करना चाह रहा हूँ। मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये भी है, ये भी है, तो क्या करेंगे, राइट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्सप्रेशन राइट करेंगे। एक्सप्रेशन क्या से राइट करना है, ये हम पहले राइट कर चुके हैं कि एच आई जो है प्रोडक्ट है उसको ऊपर राइट किया है, एच टू और आई टू को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, जिसके मुतालिक पीछे मैंने पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बताई जा सकती हैं अगर हम इनकी जो कंसंट्रेशन वैल्यूज़ हैं अगर एक्सप्रेशन में राइट कर दें। तो मैं इनकी वैल्यू ही राइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये वैल्यू राइट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 0.49 है, और बच्चों आपके पास जो है 0.05 और 0.0 जो है आपके पास 6 है सपोज, तो आप इसका स्क्वायर पहले लेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे इसका, उसका आंसर आपके पास आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके पास जो है डिवाइड करने पर आंसर जो आएगा वो के सी की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर हमने यूनिट स्टडी किए हैं, और फिर उसका अगर एक्सप्रेशन राइट करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं केसी की तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और प्रॉब्लम 9.1 जो है वो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा आप 9.2 और एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन मौजूद हैं, वो भी आप घर बैठ के सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड फिर भी आपसे बात शेयर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने लर्न किया है उसको आपने ज़रूर अच्छी तरह से राइट भी करना है और याद भी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।